विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद कांग्रेस में बगावत के सुर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। टिकट नहीं मिलने से नाराज नेता एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। वहीं टिकट कटने के बाद विधायक बृहस्पत सिंह ने आईबीसी 24 के सामने अपना दर्द बयां किया। बता दें कि पिछले चुनाव में रामानुजगंज सीट से जीत कर आए थे, लेकिन इस बार पार्टी ने उनकी टिकट काट दी है और डॉक्टर अजय तिर्की को चुनावी मैदान में उतार दिया है। बृहस्पत सिंह ने आईबीसी 24 से बात करते हुए कहा कि भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच साठगांठ हो गई है। बृहस्पत सिंह ने टीएस सिंहदेव पर आरोप लगाते हुए कहा कि टीएस सिंहदेव और भाजपा ने आपस में एक दूसरे के खिलाफ डमी कैंडिडेट देने का मन बनाया है। बृहस्पत सिंह की माने तो उनके खिलाफ कांग्रेस से किसी ने भी अपनी दावेदारी पेश नहीं की, बावजूद इसके पार्टी ने टिकट काट दी। जबकि टीएस सिंहदेव लगातार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, उसके बाद भी किस दबाव में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ऐसे फैसले ले रहे हैं, ये समझ से परे है। बृहस्पत सिंह का कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा नुकसान होने वाला है। बता दें कि कांग्रेस ने अब तक 83 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और 7 सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा होना बचा है। पार्टी ने 18 विधायकों की टिकट काट दी है और 24 नए चेहरों को मौका दिया है। वहीं टिकट कटने और टिकट नहीं मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं के बागी तेवर देखने को मिल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई टीएस सिंहदेव और भाजपा के बीच में साठगांठ हो गई है, या फिर बृहस्पत सिंह के बयान के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को जरूर सब्सक्राइब करें।